हेलो एवरी वन माँ सर खुशाली कतिरिया इन दिस वीडियो वील डिस्कस अप्टर ट्वेल्थ नंबर चैप्टर ओके ट्वेल्थ नंबर चैप्टर इज इन योर ए आई सिलेबस दैट इज अचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वी कैन ऑल्सो से एन एल पी ओके सो वॉट इज वॉट सी दिस चैप्टर ओके इस चैप्टर में है क्या इस चैप्टर में है कि सपोज क्या आपको मशीन है रोबोट है उसको लैंग्वेज के साथ क्या करना है उसको काम करना है उसे सपोज़ के उसके ह्यूमन नेचर ह्यूमन जो बोलता है उसे उसको अंडरस्टैंड करना है उसे उसके ऊपर उसको काम करना है ओके okay? उसके ऊपर प्रोसेस करना है तो उस लैंग्वेज को समझने के लिए क्या चाहिएगा एक प्रोसेसिंग चाहिएगा एक प्रोसेसर जाएगा तो वो क्या होगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग दैट मींस हमारा जो मशीन है मशीन रोबोट उसको अंडरस्टैंड करना है ह्यूमन लैंग्वेज को उसके ऊपर प्रोसेस करना है ओके okay? उसका नॉलेज आउटपुट नॉलेज बेस्ड बनाना है और उसका स्पीच इनपुट लेकर कोई कुछ आउटपुट देना है तो हमें क्या करना होगा दैट मीन्स अ एन एल पी इट इज़ अ यूजर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तो वो कैसे होता है क्यों होता है वो सारी जो डिस्कशन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं इन दिस चैप्टर ओके सो लेट स्टार्ट in this video or in this chapter we discuss the introduction of nlp what is a uh, nlp synthetic uh, uh synthetical uh, processing semantic analysis discourse uh, and pragmatic processing and spell checking okay this one is your outline or this one is your topic okay highlighted topic in this uh, chapter okay तो वन बाय वन हम मेन जो है एन में एन का कंसेप्ट है तो एन क्या है इंट्रोडक्शन क्या है उसके एप्लीकेशन क्या है उसका लाइफ साइकिल क्या है लाइफ साइकिल दैट मीन्स उसके कितने स्टेप में यूज़ होते हैं साथ में साथ उसकी एक्सपर्ट सिस्टम क्या है वो हम यूज़ करेंगे उस एक्सपर्ट सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो हम डिस्कस करने वाले हैं और उस एक्सपर्ट सिस्टम की एप्लीकेशन क्या है ओके वो हम डिस्कस करने वाले हैं सो मेन थ्री टॉपिक है हमारे पास एनएलपी लाइफ साइकिल और स्टेप्स ऑफ एन एल वन इज एक्सपर्ट सिस्टम ओके। एक्सपर्ट सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम एप्लीकेशन ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम एंड एप्लीकेशन ऑफ एन एल पी ओके सो हम जो देखने वाले ये वा तीन टॉपिक है ओके दिस वन इज योर आउटलाइन सो लेट स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एन एल पी

आउटपुट देगा कौन देगा कोई भी मशीन होगा रोबोट होगा ओके कोई भी प्रोग्राम होगा वो ओके एन एल पी इज अ रिफर टू ए आई मेथड टू कम्युनिकेशन विथ अ इंटेलिजेंस सिस्टम यूजिंग अ नेचुरल लैंग्वेज सच एज अ इंग्लिश प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड वैन यू वॉन्ट टू इंटेलिजेंस सिस्टम लाइक अ रोबोट टू परफॉर्म एज पर योर इंस्ट्रक्शन वैन यू वॉन्ट टू हियर डिसीजन फ्रॉम द डायगोज डायलॉग्स बेस्ड ऑन क्लिनिकल एक्सपर्ट सिस्टम एक्सेट्रा ओके मैंने क्या किया था यहाँ पर कोई ह्यूमन नेचर होगा कोई ह्यूमन लैंग्वेज होगा उसको क्या करना है इंटरप्रिटर करना है उसको कन्वर्ट करना है नॉलेज में उसका इनपुट क्या होगा स्पीच होगा बट उसका आउटपुट क्या होगा मशीन देगा और वो क्या होगा नॉलेज होगा सपोज कि आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती है सपोज के चाइनीज है कोरियल है या तो फिर जापानीजें आपको वो लैंग्वेज नहीं आती है ठीक है बोलना भी नहीं आता है और लिखना भी नहीं आता आपको उसे पढ़ कैसे पढ़ा जाए वो भी नहीं लिखना आता तो आप क्या करेंगे सिंपली गूगल ट्रांसलेट करेंगे गूगल ट्रांसलेट चाइना चाइनीज टू इंग्लिश ओके कोरियल टू इंग्लिश ओके okay? आपको कोई भी लैंग्वेज सपोज़ के आपको तमिल तेलुगू वो वाली लैंग्वेज नहीं आती है बट आपके पास कोई एक सेंटेंस है उसको आपको कन्वर्ट करना है आपको देखना है कि वो क्या लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे सिंपली गूगल करेंगे गूगल ट्रांसलेट तमिल तो इंग्लिश और तमिल टू हिंदी ओके आपको जिसमें भी चाहिए था उसमें आप कन्वर्ट कर देंगे ओके okay? और आपको क्या होगा आउटपुट मिल जाएगा तो उसमें क्या किया उसको उस लैंग्वेज के पास गूगल के पास नॉलेज है कि उस वर्ड को कैसे लिखा जाता है उसके पास वो नॉलेज है कि उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है तेलुगू वर्ड को तमिल वर्ड को ओके okay? और उसने क्या किया उस नॉलेज को यूज़ करके उसने उस सेंटेंस को हिंदी में या तो इंग्लिश में या तो गुजराती में क्या किया कन्वर्ट किया और आपको क्या किया रिप्रेजेंट किया सेम टू सेम अगर आप ऐसे बोलेंगे स्पीच में उसका इनपुट आपको उसको स्पीच में देना है अगर आपको गूगल ट्रांसलेट करना है कोई बोलते हुए आपको कन्वर्ट करना है कि वो क्या बोल रहा है तो आपको क्या करना है गूगल ट्रांसलेटर गूगल असिस्टेंट वो वाला है वो यूज़ करना होगा ठीक है तो वो वाली एप्लीकेशन है वो आपको यूज़ करनी है सेम टू सेम सीरीज ओके सीरीज जो हम यूज करते हैं नॉर्मली आईफोन में यूज होती है तो उसमें क्या करते हैं वो लोग कन्वर्ट करते हैं ट्रांसलेट करते हैं जो हमारी स्पीच है उसको क्या करते हैं नॉलेज में कन्वर्ट करके हमें रिप्रेजेंट करते हैं तो सिंपल एन टॉपिक भी वही करता है ओके द फील्ड ऑफ एन एल पी इनवॉल्व्स मेकिंग कंप्यूटर्स टू परफॉर्म यूजफुल टास्क टास्क विद द नेचुरल लैंग्वेज चीज़ Human use, okay. The input and output of NLP system can be speech and written text, okay. Input kya hoga NLP ka input hoga speech and output kya hoga uska return text. That means उसको कोई कोई कुछ भी लिख के देगा. अगर आपको Google assistant है, वो आप use करेंगे तो आप उसको suppose कि आपने कोई भी topic search किया है, बोल के speech स्पीच से ओके गूगल असिस्टेंट की मदद से तो आपको क्या आउटपुट देगा वो आपको आउटपुट एज अ साइट या तो फिर आप आपने सिलेक्ट किया होगा वो वाले मोड में पर नॉर्मली क्या करता है रिटर्न वाले टेक्स्ट में वो बोलता भी है और लिख के भी देता है ओके सो इनपुट इज अ स्पीच एंड आउटपुट इज अ रिटर्न टेक्स्ट मे बी दोनों वाइस वर्सा भी हो सकते हैं बट नॉर्मली हम स्पीच एनएलपी की बात करें तो हमारा इनपुट क्या होगा नॉर्मली स्पीच में होगा so this one is the NLP. NLP have a two component. Okay, first one is a natural language understanding and second one is the natural language generation. Okay, NLU and NLG. Okay, we can say NLU as a natural language understanding and second one is the NLG. It means natural language generation. Okay. यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कंपोनेंट के लिए सपोज उसके हमारा इनपुट है वो स्पीच में है ओके okay? उसमें क्या किया उसने ऑटोमेटिक स्पीच रिकोगनाइज किया दैट मीन्स जो भी हम बोलते हैं सपोज उसके हमने बोला व्हाट इज अ एन एल पी वॉट इज अचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हमने गूगल असिस्टेंट को ये क्वेश्चन दिया है ओके okay? हमारा इनपुट क्या होगा वो हमारा स्पीच हमारा इनपुट होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल असिस्टेंट असिस्टेंट क्या करेगा गूगल वो वो ऑटोमेटिकली स्पीच को क्या करेगा रिकॉग्नाइज करेगा याद रखेगा ओके अंडर याद सिर्फ याद रखेगा मगअप करेगा कि वो क्या बोला था मैंने क्या बोला इनपुट क्या है मेरा कि वॉट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वॉट इज एन तो जो हमारा इनपुट था स्पीच का उसने क्या किया ऑटोमेटिक रेकोग्नाइज किया हमारा स्पीच रेकग्नाइज किया आफ्टर दैट वो क्या करेगा एनएलयू यू एनएल यू दैट मीन्स नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग आपको नाम से ही पता चलेगा अंडरस्टैंडिंग दैट मीन्स कि वो क्या कहना चाहता है उसका आउटपुट क्या है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है ओके okay? तो वो क्या करेगा ट्रांसलेट करेगा और लास्ट में वो क्या करेगा नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन जनरेशन दैट मीन्स आपका जो इनपुट है उसके बेस पर आपको आउटपुट जनरेट करके देगा ओके okay? उसके सेंटेंस हो गए उसकी साइट्स हो गई उसका कोई भी पैराग्राफ होगा वीडियो होगा जिसमें भी आपको अच्छा लगा वो आपको क्या करेगा जनरेट करके देगा आउटपुट ओके okay? उसके डेटाबेस में से तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आउटपुट क्या होगा लास्ट में हमारा आउटपुट कोई भी फॉर्म में होगा बट हमें क्या मिलेगा हमारी स्पीच में से कोई आउटपुट एज अ रिटर्न फॉर्मेट में मिलेगा दैट मीन्स हमारा स्पीच एज अ इनपुट दे रेकोग्नाइज स्पीच ऑटोमेटिकली स्पीच रेकोग्नाइजेशन आफ्टर दैट दे यूज एन एल यू दिन एल यू दैट मीन्स नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग ओके वी विल डिस्कस इन फर्दर स्लाइड इन डिटेल ओके वॉट इज एल एंड वॉट इज एन एल जी ओके आफ्टर दैट वो क्या करेगा एन एल जी में वो जनरेट करेगा सेंटेंस का आउटपुट और वो हमें डिस्प्ले करके देगा सो दिसंट ऑफ एन एल पी और स्टेप बाय स्टेप ओके वी कैन से ऑल्सो से स्टेप ऑफ एन एल स्टेप ऑफ एन एल पी वी कैन नॉट से लाइक दैट बट दिस वन इज अ कम्पोनेंट ओके मैंडेटरी कंपोनेंट ऑफ एन एल पी ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल we we will we, we discuss about the component of NLP first one is the natural language understanding what is understanding understanding that means कि हमारा ऑलरेडी हमने uh, पीछे वाले जो uh, पीछे वाला जो चैप्टर था हमारा इलेवेंथ नंबर का चैप्टर उसमें अंडरस्टैंडिंग वाला कंसेप्ट था वो हमने क्या किया था डिस्कस uh, uh, किया था दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग दैट मीन्स मीनिंगफुल लर्निंग आपको कोई भी लर्न करना है वो क्या होना चाहिए मीनिंगफुल होना चाहिए दैट मीन्स मीनिंगफुल लर्निंग दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग ओके कोई भी सामने वाली पर्सन है या तो सामने वाला जो कोई भी है उसे हमें क्या करना है लर्न करना है मीनिंगफुल लर्न करना है वो जो भी बोलता है उसे क्या करना है अंडरस्टैंड करना है वो क्या बोल रहा है वो ओके सो एंड एल इज एक्सट्रीमली रिच फ्रॉम फॉर्म एंड स्ट्रक्चर इट इज़ अ वेरी एम्बीजियस देर कैन भी डिफरेंट लेवल ऑफ द एम्बिग्यूटी ओके उसमें कुछ एम्बिग्यूटी है क्यों क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग दैट मीन्स सबकी अलग अलग लैंग्वेज होगी अलग अलग टोन होगा सपोज के मैं इंग्लिश हिंदी और गुजराती तीनों वर्ड्स मिक्स करके कुछ बोलती हूँ तो आपको क्या करना होगा उसे समझना होगा ओके okay? आपको क्या करना है लर्न करना है आपको तीनों के तीनों लैंग्वेज अगर आती है तो अगर नहीं आती है तो क्या होगा एम्बिग्यूटी जनरेट होगी ओके so natural language processing is a very ambiguous there can be different level of the ambiguity first one is the lexical second one is the sy syntax level ambiguity and third one is the referential ambiguity so what is a lexical uh, lexicon आपके पास कोई एक basic word है वर्ड दैट मीन्स के आपके पास कोई डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट नाम का कोई एक वर्ड है तो आपको वो नाम नाउ, नाउन लेना है या वर्ब लेना है सेम टू सेम थिंग आपको अगर कोई एक बॉर्ड दिया गया है तो उस so, उसको आपको नाउन लेना है और या वर्ब लेना है वो आपको पता नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा लेक्सिकल एम्बिग्यूटी मशीन को वो पता नहीं चलेगा तो उस क्या वो कहेगाक्सिकल लेक्सिकन एम्बिग्यूटी ओके सेकेंड वन इज द दिन लेवल एम्बिग्यूटी सिंटेक्स लेवल एम्बिग्यूटी दैट मीन्स सेंटेंस कैन बी पार्स इन अ डिफरेंट वे ओके एक ही सेंटेंस के अलग अलग मीनिंग होते हैं सपोज के गुजराती लैंग्वेज में एक सेंटेंस के हैं हाँ हैं अच्छे दिस काइंड ऑफ वर्ड्स ओके तो ये, ये वो क्या होगा वो शॉक वाला होगा है सेंटेंस इज अ वर्ड लेवल एम्बिग्यूटी बट वी कैन सेवल एम्बिग्यूटी वी यूज एज अक्स लेवल एम्बिग्यूटी दैट मींस जो हमारा सेंटेंस है उसका डिफरेंट मीनिंग uh, होगा ओके डिफरेंट मीनिंग दैट मीन्स सपोज की हमारे पास एक एग्जाम्पल है बैटल विथ रेड कैप ओके, बट यहाँ पर हम उसके दो मीनिंग कर सकते हैं और ओके, okay? उसके दोनों के मीनिंग अलग-अलग हमें क्या करना है वो हमें बतानी है तो क्या होगा लेवल जनरेट होगी और थर्ड वन इज द रेफरेंशियल एम्बिग्यूटी रेफरेंशियल एम्बिग्यूटी दैट मीन रेफरेंसिंग टू समन यूजिंग अ प्रोनाउंस फॉर एग्जाम्पल सपोज के हमारे पास है रीमा वैन टू गोरी ओके okay? रीमा गोरी के पास गई है एग्जेक्टली वू इज टायर्ड हमें पता नहीं है कि रीना टायर्ड है रीमा टायर्ड है या गोरी टायर्ड है वो हमें पता नहीं है देट मीन्स वन इनपुट कैन मीन डिफरेंट मीनिंग और मैनी इनपुट कैन मीन सेम थिंग ओके दिस वन इज द रेफरेंशियल एम्बिग्यूटी सो इन नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में आपको क्या करना है उस सेंटेंस का मीनिंग समझना है उस वो क्या बोल रहा है वो आपको समझना है पर उस वो क्या बोल रहा है वो समझने के दरमियान उसके फेज में आपको कौन कौन सी एम्बिग्यूटी फेस करनी होती है वो वाली यहाँ पर लिस्ट आउट की गई है लेक्सिकन सिंटैक्स एंड रेफरेंशियल ओके अनदर वन इज द नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन दैट मीन्स एनएल जी वॉट इज अनएल जी एन एल जी दैट मीन्स इट इज अ प्रोसेस टू प्रोड्यूसिंग अ मीनिंगफुल फेजिस एंड सेंटेंसिस इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल लैंग्वेज फ्रॉम सम इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ओके अब हमें क्या करना है अगर हमें हमारा नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग जो है हमारा वो कम्प्लीट हो गया है तो अब हमें क्या करना है उसका आउटपुट है उसको क्या करना है मीनिंगफुल रिप्रेजेंट करना है आउटपुट उसका जनरेट करना है तो हम क्या सॉरी <coughs> <coughs> उसका हमें आउटपुट है उसे क्या करना है जनरेट करना है तो जनरेट करते वक्त आपको क्या क्या प्लान करना होगा तो फर्स्ट इज़ इज़ द द प्लानिंग ओके इट इंक्लूड रिट्राइविंग रिलेवेंट कंटेंट फ्रॉम द नॉलेज बेस्ड ओके आप आपको क्या करना है एक्सट्रैक्ट करना है नॉलेज आपके नॉलेज बेस में सपोज के आपको कोई आपके पास सपोज के पूरी आपकी कॉलेज का डेटा है स्टूडेंट का डेटा सपोज के आपको उसने बोला था आपकी आई डिपार्टमेंट के एट सेमेस्टर के स्टूडेंट के नेम नेम स्टूडेंट्स ऑफ स्टूडेंट आपको लिस्ट आउट करना है तो आपको क्या करना होगा सिर्फ और सिर्फ एज सेमेस्टर के स्टूडेंट आईटी डिपार्टमेंट के क्या करनी है आपको रिट्राइव करना है एक्सट्रैक्ट करना है आपके नॉलेज में से आपके डेटा बेस में से बट आपके पास सपोज के पांच साल के एथ क्लास के बच्चे के नाम है तो आप कौन से बच्चे के नाम रिट्राइव करेंगे तो वो आपको क्या करना होगा रिलेवेंट डेटा सपोज के आपके रिलेवेंट डेटा ही डिट्राइव करना होगा सपोज के लास्ट ईयर वाले बच्चे हैं उसका ही डेटा रिल रिट्राइव होना चाहिए दैट मीन्स अ टेक्सट प्लानिंग सेकेंड वन इज द सेंटेंस प्लानिंग सेंटेंस प्लानिंग दैट मीन्स इट इंक्लूड चूजिंग द रिक्वायर वर्ड्स फॉर्मेटिंग मीनिंगफुल फेजिस सेटिंग टोन ऑफ द सेंटेंस ओके एंड थर्ड वन इज द टेक्स रियलाइजेशन what is a text realization text realization is the this is a process of mapping the plan sentence into into the structure okay it is a process to mapping a plan sentence into sentence structure okay this is a text realization okay so overall वी कैन से लाइक दैट एनएल हार्डर एनएल जी में क्या करना है आउटपुट देना है बट एनएल क्या करना है एनएल आपको अंडरस्टैंड करना है अगर आप गलत मीनिंग आपने आउटपुट मतलब कन्वर्ट किया है आपने सपोज आपको मांगा था एट्थ सेमेस्टर का डेटा और आपने एथ सेमेस्टर के सारे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट के नाम दे दिए तो वो क्या हुआ अंडरस्टैंडिंग गलत हुई तो अंडरस्टैंडिंग गलत होगी तो जनरेशन भी क्या होगा गलत होगा तो एन एल यू इज अ हार्डर दैन एन एल जी सो वी कैन से दिस वन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एल बी एंड दिस वन टू कंपोनेंट दे हैवे टू कंपोनेंट फर्स्ट वन इज द एन एल जी एन एल यू एंड सेकेंड वन इज द एन एल okay this is this is a component of the nlp in next video we discuss a step of nlp okay which kind of the step involved in nlp we can uh, we will discuss in next slide okay or next video thank you